जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबों के मोस्ट डिमांडिंग बुक रेलवे साइंस 3200 के सेट 38 के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, आप में से कई मित्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी रेलवे साइंस 3200 के बुक को आप भूल गए, आप पूरा नहीं करवाए, जबकि मैंने प्रत्येक सेशन में ये बताया है आपको कि मेरे मित्र हम उस बुक को कंप्लीट कराएंगे। और आप सभी इस हैं कि हम उस बुक को आधा अधूरा छोड़ करके कोई और सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल की भी डिमांडिंग थी और बहुत सारे मित्र लगातार न्यूमेरिकल सीखना चाहते थे, तो न्यूमेरिकल का भी मैंने सेशन स्टार्ट करा है और वो सेशन आपकी चल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और साथ ही न्यूमेरिकल था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जरूरत है न्यूमेरिकल का आपका एक मैराथन समझने की, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आपका बहुत ही जल्द आप सबों के बीच होगा। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेट क्लास में हम लोग रेलवे साइंस 3200 के जो बचे हुए पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आप में से कई मित्र लगातार परेशान हो रहे थे, तो खैर मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे और जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम लोग बहुत ही जल्द अल्टरनेट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये आपका अल्टरनेट क्लासेस का आज पहला दिन होगा जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके रेलवे साइंस 3200 के 38वें सेट के पार्ट ए की। ध्यान में रखेंगे इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे और फिर 20 क्वेश्चन इसके अगले सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। मेरे मित्र आपका ऑप्शन है क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्या होगा इसका आंसर। आपसे कहा जा रहा है कि हल्की और अज्वलनशील होने के कारण, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे ऑप्शन में देखेंगे तो हवा से कम घनी और हल्की कौन सी गैस होगी, आप कहेंगे सर हीलियम होगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हीलियम का ही इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो सर जो हमारा गुब्बारा होता है उसको उड़ाने में करते हैं। और साथ ही आप सबों को मालूम है कि हीलियम क्या है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अक्रिय गैस है, क्या है सर अक्रिय गैस है, यानी कि नोबेल गैस है। और मेरे मित्र जाहिर सी बात है कि जब ये नोबेल गैस है तो ये ज्वलनशील होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर ज्वलनशील होने का मतलब हुआ कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और सर किसी भी तत्व के साथ कोई अन्य तत्व रिएक्ट तभी करेंगे जब वो अभिक्रियाशील होंगे। और आप सबों को मालूम है कि केमिस्ट्री में जो अक्रिय गैस तत्व हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, ये किसी भी अन्य तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी भी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो हम ये बड़े ही सरलता से पहचान सकते थे कि सर इसमें जो अज्वलनशील यानी कि जो हमारा ज्वलनशील नहीं होगा, ज्वलनशील होने के लिए कंडीशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। अब सर जो अक्रिय गैस है वो तो कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, आप कहेंगे सर हीलियम लेके जाएगा। मेरे मित्र आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलिए हीलियम का तो आपने उपयोग बता दिया कि इसका उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर हमसे ये पूछ दिया जाएगा कि क्लोरीन का उपयोग क्या होता है तब हम लोग क्या कहेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग क्लोरीन के उपयोग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्लोरीन के उपयोग की बात करेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखना कि पहला इसका उपयोग तो हम लोग जो सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं यानी कि जो नाले के पानी होते हैं या फिर जो उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट मटेरियल होते हैं उसको सैनिटाइजेशन के लिए करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि सर जल के सैनिटाइजेशन के लिए, जल के सैनिटाइजेशन के लिए हम लोग ब्लीचिंग का या फिर आप कह सकते हो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेपर उद्योग एवं कपड़ा उद्योग में क्लोरीन का यूज जो है वो किस रूप में किया जाता है, आप सभी ध्यान में रखना ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, आप सभी कहेंगे सर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
और आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो न्यूऑन भी है, तो कोई एक बेस्ट एग्जाम्पल बता दो जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगी हुई रहती है, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब कह रहे हैं, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा हुआ रहता है उस बोर्ड में आपको एक चमकीला सा लाल कलर का इंडिकेटर भी दिखाई पड़ता है। और मेरे मित्र ये जो नियॉन होते हैं इसका इस्तेमाल हम लोग नियॉन साइन बल्ब या फिर आप कह सकते हो हाई वोल्टेज इंडिकेटर बनाने के लिए करते हैं। तो अगर कहीं पे भी आपसे ये सवाल करा जाए कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर होता है उसमें से निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल होता है, आप कहेंगे सर नियॉन का इस्तेमाल होता है, या फिर आप और साइंटिफिकली दृष्टिकोण से इसको याद रख सकते हो कि गुरुजी नियॉन का इस्तेमाल जो है वो हाई वोल्टेज इंडिकेटर के निर्माण में किया जाता है, हाई वोल्टेज इंडिकेटर के निर्माण में किया जाता है। साथ ही मेरे मित्र ऑक्सीजन कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो प्राण वायु के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, प्राण वायु के रूप में जाना जाता है, और बगैर ऑक्सीजन के तो हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, ये चीज आप सबों को बखूबी मालूम है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वास का एक घटक है। ध्यान दीजिएगा ये स्टैटिक साइंस का पोर्शन है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसके लिए तो हमें याद रखना होगा अम्ल का नाम, बिल्कुल मेरे मित्र, और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बोरिक अम्ल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि आईवास के रूप में जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो किसका, बोरिक एसिड का। आप सभी डॉक्टर से मिले होंगे आंख के संबंध में, तो आंख के संबंध में अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर अगर आपको आंख को वास करने के लिए किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन देता है तो उस सॉल्यूशन में क्या मिला होता है, सर बोरिक एसिड यानी कि बोरिक अम्ल मिला हुआ रहता है। तो ये चीज आप सभी कंठाग्र रखेंगे कि आईवास के रूप में बोरिक अम्ल का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे एसिटिक अम्ल है, मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि एसिटिक अम्ल का निर्माण हम लोग सिरका के लिए करते हैं, सॉरी एसिटिक अम्ल का निर्माण नहीं, सिरका के निर्माण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर सिरका के निर्माण में एसिटिक अम्ल का निर्माण कर एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो सिरका होता है, विनेगर होता है, वो एक्चुअली में जल और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। मेरे मित्र यहाँ पे है सल्फ्यूरिक अम्ल, आप सभी कहेंगे कि इसको कई प्रकार के मतलब कह सकते हो एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर इसके अणुसूत्र की बात करते हैं तो सर H2SO4 होता है और अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका वेरियस लेवल पे आप कह सकते हो कि मतलब अलग अलग लेवल पे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से जो इस्तेमाल होने वाले अम्ल होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होते हैं। और मेरे मित्र अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आप अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंत अम्ल कहते हैं सर, इसको हम लोग अमाशयी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अमाशयी अम्ल कहते हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये भी करा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सबों को मालूम है कि आपके अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती है, यानी कि जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है, और उसमें क्या होता है सर निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, साथ ही साथ HCl, और साथ ही क्या होता है सर म्यूकस होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि आपके अमाशय में जो ये HCl होता है एक्चुअली में ये क्या करता है, तो सर जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है उसको एक्टिव करता है, यानी कि पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए HCl का होना बहुत ही जरूरी है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, और आपके कई एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है। क्या पूछा गया है कि जो आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है उसको एक्टिव निम्नलिखित में से किस अम्ल के द्वारा किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर HCl के द्वारा किया जाता है। और जब तक आपका पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा तब तक सर प्रोटीन का पाचन संभव नहीं है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा सैटेलाइट फैसिलिटी अत्याधुनिक डाटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डाटा प्राप्त करती है। मेरे मित्र एज अ एस्टेटिक साइंस के रूप में इसको भी याद रखेंगे कि जो आपका IMGUOS आपका सैटेलाइट है ये क्या है, तो सर अत्याधुनिक डाटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो क्या करता है, तो सर विभिन्न उपग्रहों से डाटा प्राप्त करता है। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे इस चीज को स्टार मार्क लेकर के लिख लेंगे कि विभिन्न उपग्रहों से डाटा प्राप्त करने वाला उपग्रह
सवाल के सामने आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह विभिन्न सैटेलाइट से डाटा को प्राप्त करता है? आप कहेंगे IMGEOS। साथ ही मेरे मित्र आप कहेंगे सर ऑप्शन में SCATSAT-1 दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्कैटरोमीटर, इसका फुल फॉर्म होता है स्कैटरोमीटर सैटेलाइट, स्कैटरोमीटर सैटेलाइट 1। ध्यान में रखेंगे कि ये आपका क्या है, एक प्रकार का लघु उपग्रह है। क्या है? एक प्रकार का लघु उपग्रह है। और ये क्या करता है? तो सर मौसम संबंधी पूर्वानुमान या फिर चक्रवात संबंधी पूर्वानुमान के लिए आपको आगाह करता है। बाद बाकी इसरो, तो आप सभी समझ रहे होंगे कि सर इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? ऑप्शन है केशिकाएं, दूसरा है लसिका, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है प्लेटलेट्स। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो बात की जा रही है आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, इसका काम, ये जो काम है ये किसका होता है? सर उत्तक द्रव का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड टिश्यू कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और मेरे मित्र उत्तक द्रव बेसिकली किसे बोला जाता है? लसिका को बोला जाता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी को क्या बोला जाता है? सर उत्तक द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तक द्रव बोला जाता है। और मेरे मित्र ये जो उत्तक द्रव होते हैं ये कहां होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ब्लड कैपिलरीज होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है और साथ ही जो टिश्यू होता है उसके बीच में जो गैप यानी कि खाली स्थान होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है? सर ये उत्तक द्रव यानी कि लसिका भरा हुआ रहता है। तो आप सभी से जब भी ये सवाल करा जाए कि जो उत्तक द्रव या लसिका होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ब्लड कैपिलरीज यानी कि रुधिर वाहिनियों एवं उत्तक के बीच खाली जगह में उत्तक द्रव रहता है जो क्या करता है। तो आप सभी कहेंगे सर आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस क्या होता है सर, उस वसा को रक्त में ले जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र यहां पे केशिका की बात की जा रही है, तो केशिका यहां पे आपका ब्लड कैपिलरी से ही संबंधित होगा। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ये एक्चुअली में क्या होती है? तो सर आप सभी जो कहते हैं कि हमारे बॉडी में हृदय जो है सर वो रक्त को पूरे बॉडी में प्रवाहित करती है, तो एक्चुअली हृदय के द्वारा जो ब्लड आपके पूरे बॉडी में पंप होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि आपके शरीर में जो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है वो धमनी के द्वारा होता है। मेरे मित्र जब शुद्ध रक्त धमनी आपके हृदय से लेकर के बॉडी के अलग अलग भागों में पहुंचती है तो सर कुछ दूरी के बाद ये क्या होता है, तो सर छोटी छोटी नलिकाओं में बट जाती है और इसी नलिका को हम लोग ब्लड कैपिलरीज या फिर हिंदी में रक्त केशिका कहते हैं, जिसकी चर्चा यहां पे की जा रही है। और मेरे मित्र ये रक्त केशिकाएं फिर से आपस में समाहित होकर के क्या करती है, तो सर सिरा का यानी कि वेन का निर्माण कर लेती है। और फिर ये वेन क्या करता है, आपके बॉडी से अशुद्ध रक्त को कहां ले जाता है, सर हृदय में ले जाता है। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में प्लाज्मा, तो ये क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है और आप सबों को मालूम है कि इसमें 90% तक वाटर अवेलेबल होते हैं, 10% में सर क्या होते हैं, तो सर प्रोटीन और अन्य पदार्थ होते हैं। मेरे मित्र अगर फाइब्रोनोजिन की बात की जाए, ग्लोबुलिन की बात की जाए, एल्बुमिन की बात की जाए, ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर जी, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, आप सभी कहेंगे कि गुरु जी इसको हम लोग ब्लड के ठोस भाग के रूप में देखते हैं और प्लेटलेट्स जो होती है वो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 5 कि कैचे मेमोरी कहां स्थित होता है। मेरे मित्र अगर आप सभी रेलवे साइंस 3200 के प्रीवियस क्लासेस को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। क्या कहेंगे कि सर जो कैचे मेमोरी होता है ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी ही होता है, लेकिन ये क्या होता है सर, अस्थायी माना जाता है। और हम सभी क्या कहते हैं कि सर ये सीपीयू में यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, वहां पर पाया जाता है। मेरे मित्र यहां पर जो रैम की बात की जा रही है तो सर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो सर इस तरीके से लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और आपका डायनेमिक रैम, मैंने आपको बताया है एस रैम और डी रैम इसको हम लोग पढ़ते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं सर, ये कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सीयू,
कोई टर्म नहीं होता है सर, मॉनिटर। तो मेरे मित्र कंप्यूटर में जो भी आप प्रोग्राम डालते हैं और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी आपको आउटपुट मिलता है, उन सारी कहानियों को आप किसके सहारे देखते हैं सर? मॉनिटर के सहारे देखते हैं। मेनली कंप्यूटर के आप कह सकते हो दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सीपीयू और दूसरा होता है मॉनिटर। सीपीयू जो है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, यानी कि अगर आप कुछ भी इनपुट डालोगे तो उस इनपुट के माध्यम से जो प्रक्रियाएं होगी वो सीपीयू के अंदर होगी। और डिस्प्ले आपको कहां पे होगा? तो आप कहेंगे सर मॉनिटर पे होगा। कहां पे होगा सर? मॉनिटर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। मेरे मित्र आप बताइए, क्या आप जवाब नहीं दे पाएंगे? आप कहेंगे सर पहले ही क्वेश्चन में आपने, दूसरे क्वेश्चन में आपने बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे सर, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने जिक्र करा है। क्या है सर? अमाशयी अम्ल है। तो अब आप बताओ कि क्वेश्चन करा जा रहा है कि मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न। नेक्स्ट लैक्टिक अम्ल, तो आप क्या कहेंगे सर? ये दही में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और मेरे मित्र यहां पे किसकी बात की जा रही है? साइट्रिक अम्ल। तो सर जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें आपका क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर साइट्रिक अम्ल हो या फिर जो हम लोग एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, ये सब के सब कमजोर अम्ल के श्रेणी में आते हैं। मेरे मित्र सामान्यतः वैसे सभी अम्ल जो किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं सर? वीक नेचर वाले होते हैं, यानी कि कमजोर नेचर वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का पश्च लोब, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब, नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो वृद्धि हार्मोन है ये कहां से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र लोब यानी कि अगले भाग से स्रावित होता है। मेरे मित्र पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये अन्य ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं उसको स्टिमुलेट भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं सर? नियंत्रित भी करते हैं। आप सबों को जान के ये ताजुब होगा कि आपके जेनेटियल ऑर्गेन से यानी कि जननांग से जो हार्मोन स्रावित होती है या जिसको हम लोग लैंगिक हार्मोन के रूप में देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन, या अगर हम फीमेल में बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, एजेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन का कंट्रोल भी किसके पास होता है? तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। और साथ ही जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है वो कहां से? तो सर पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र लोब से। साथ ही यहां पे थायराइड ग्रंथि है। आप सभी कहेंगे सर इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होगी। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि थायरोक्सिन जो होती है वो सर बेसिकली किसको कंट्रोल कर रही होती है? तो सर आयोडीन की मात्रा को। और आप सबों को मालूम है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप कहते हैं सर घेघा या ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट है सर अग्नाशय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो सर अग्नाशय जो है वो जस्ट लाइक अ मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। ध्यान में रखेंगे कि हार्मोन का श्रवण कहां से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, जिसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो अपने स्राव यानी कि जो उससे उसके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं उसको वो सीधे ब्लड में प्रवाहित करते हैं। उसको वो लक्ष्य स्थल पर पहुंचाने के लिए उसके पास कोई डक्ट नहीं होती है, इसीलिए सर हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। जबकि अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं इसको लक्ष्य स्थल तक पहुंचाने के लिए क्या होता है? तो सर डक्ट होता है, यानी कि नलिका होती है। और सर वैसी ग्रंथि जो आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के तरह वर्क करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। और अग्नाशय जो है वो किसका एग्जांपल होता है? तो आप सभी याद रखेंगे मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल है। मेरे मित्र इससे क्या निकलता है आप सभी ध्यान में रखना, इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? पेनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन के सारे अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी के पाचन में क्या होता है सर? सहायक होता है। साथ ही मेरे मित्र अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलती है? तो सर इंसुलिन भी निकलती है। और आप सबों को मालूम है कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपका पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर पहले ये बता दो कि इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग इंद्रधनुष के निर्माण की बात करते हैं तो यहां पे रेनबो के फॉर्मेशन में प्रावर्तन,
प्रावर्तन, अपवर्तन, प्रावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण, ये तीन प्रक्रियाएं भाग लेती है। और मेरे मित्र सिंपली आप ये कह सकते हो कि सर चूंकि इंद्रधनुष रेनबो के फॉर्मेशन में, रेनबो के फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन की प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रावर्तन को क्या करते हैं सर, इंक्लूड करते हैं। साथ ही जो रेनबो का निर्माण होता है उसमें पानी की बूंदों से जो सूर्य की प्रकाश होती है वो क्या होती है, तो पानी की बूंद के सहारे अपने सात रंगों में विभक्त हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसको सतरंगी भी बोलते हैं कभी कभी। तो सर चूंकि विक्षेपण भी होता है साथ में सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन हो रहा है, तो सर हम लोग प्रावर्तन भी कहते हैं, और सर विक्षेपण होगा तो कहीं ना कहीं अपवर्तन भी होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष रेनबो के फॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और विक्षेपण, विक्षेपण तीनों प्रक्रियाएं क्या होती है सर, शामिल होती है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, चूंकि इंद्रधनुष के निर्माण में ये तीनों प्रक्रियाएं शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि सर प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण इंद्रधनुष का निर्माण हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तारों का टिमटिमाना, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते होता है। किसके चलते होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते होता है। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, आप कहेंगे सर हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है सर, रेटिना पे, वो किसके वजह से होता है सर, अपवर्तन के वजह से होता है। हमारे आंख में लेंस होती है, वो क्या होती है सर, जीवित होती है, और जीवित लेंस से अपवर्तन की प्रोसेस होती है जिसके वजह से हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है सर, वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन हमारे पास ऑप्टिक नर्व होते हैं जो हमारे माइंड को ये क्या करते हैं सर, सिग्नल देते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है, और सर चूंकि रेटिना पे वो उल्टा बन रहा होता है लेकिन हमारे माइंड का ऑप्टिक नर्व उसको क्या करता है, तो सर हमारी आंखों को वो सीधा दिखाता है या हमें लगता है कि सर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। नेक्स्ट, अस्त होते हुए सूरज का लाल रंग लाल होना, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो आप कहेंगे सर अस्त होते हुए सूरज का लाल रंग लाल होना या सर उगते हुए सूरज का रंग आपको लाल दिखना, ये दोनों ही घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे मित्र। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। मेरे मित्र आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मेरे मित्र सबसे पहला सवाल है कि सर जी ये ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, तो आप सबों को मालूम है कि सर जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसमें आपका सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका क्या हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं सर ओजोन हो जाता है। ओजोन भी आपका एक प्रकार का गैस है और ये भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में ही आते हैं, ठीक है। तो मेरे मित्र ये सभी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से कि सर वैश्विक उष्मनन का कारण बनता है। अब इस चीज को रोकने के लिए औद्योगिक देशों में क्या हुई, तो सर औद्योगिक देशों में एक समझौता हुई जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ये जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये ओजोन क्षरण से संबंधित है, यानी कि ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए सर जो एक समझौता तैयार किया गया है वो क्या है सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है सर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जब भी क्योटो प्रोटोकॉल की बात आएगी तो आप याद रखेंगे ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से संबंधित समझौता है, और अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आएगी तो आप कहेंगे ओजोन क्षरण, यानी कि ओजोन क्षय को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए यह क्या है सर, एक समझौता है। अच्छा, जेनेवा समझौता की बात की जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना प्रिजनर ऑफ वार से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रिजनर ऑफ वार से संबंधित है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर, युद्धबंदी, युद्धबंदी। जैसे मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होती है तो सर ऐसा संभव है कि दोनों देशों के सैनिक में से, मतलब एक दूसरे का सैनिक एक दूसरे के सीमा में आ जा सकते हैं, तो युद्ध के समय में अगर किसी सैनिक को बंदी बनाया जाता है तो उसको प्रिजनर ऑफ वार बोला जाता है। अब प्रिजनर ऑफ वार जो है वो, मतलब जो युद्धबंदी होते हैं अगर उसके साथ सलूक व्यवहार किया जाए तो सर ये तो गलत होगा, क्योंकि जो युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच तो वो दोनों देशों के बीच का अपना एक टकराव है। बेचारा सैनिक जो है वो आपके तरफ से भी युद्ध कर रहा है और हमारे तरफ से भी युद्ध कर रहा है,
अब अगर किसी केस में अगर किसी विरोधी का जो सैनिक है उसको हम पकड़ लें और उसके साथ गलत व्यवहार करें, तो ये तो सर बिल्कुल ही गलत है। या हमारा ही सैनिक को कोई और पकड़ लें और उसके साथ गलत व्यवहार करें, ये तो गलत होगा। जैसे कि मेरे मित्र आप सबों ने सुना होगा जो हमारे विंग कमांडर थे सर पाकिस्तान में, वो गिर गए थे लेकिन फिर भी पाकिस्तान को उसको लौटाना पड़ा। किस समझौता के तहत? सर इसी जेनेवा समझौता के तहत। जेनेवा समझौता यह कहता है कि किसी भी युद्ध बंदी के साथ, प्रिजनर ऑफ वार के साथ आप गलत बिहेव नहीं कर सकते हैं। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा आप हमें उसको लौटा दीजिए। अगर हम आपका पकड़े हैं तो हम भी क्या करेंगे, आपके आपके जो सैनिक हैं उसको लौटा देंगे। तो सर प्रिजनर ऑफ वार युद्धबंदी के साथ सही तरीके का व्यवहार हो, इसके लिए आपका क्या है सर, जेनेवा समझौता है। जबकि ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, और ओजोन क्षरण के लिए सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और बॉन समझौता सर ये अफगानिस्तान से संबंधित है, ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछा जा रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है। मेरे मित्र कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के चलते यह क्या होता है, दुधिया हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी दिवाली आ रहा है कुछ दिन के बाद, आप अपने गांव घर में देखेंगे बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, तो सर पुताई कर रहे होते हैं। पुताई में क्या होता है, तो सर मार्केट से चूना खरीद के लाया जाता है, उसको नदी में पानी डाल करके क्या किया जाता है, अच्छे से मिलाया जाता है, और फिर उस चूने के पानी से पूरे दीवार पर पुचारा किया जाता है। मेरे मित्र जो मार्केट से आप चूना खरीद के लाते हो एक्चुअली में वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसके साथ आप पानी मिलाते हो तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 में बदल जाता है। अब मेरे मित्र इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आप क्या करते हो, तो सर पुचारा करने के लिए करते हो। ध्यान देंगे कि जिस दिन आप पुचारा करते हैं उस दिन आपको दीवार में कोई खास चमक दिखाई नहीं पड़ती है। जिस दिन आप अपने घरों में चूना करते हैं उस दिन आपको कोई खास चमक दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है आप सभी एक खास तरह की चमक यानी कि उजलापन से विभोर हो जाते हैं। मेरे मित्र ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने दीवालों पे पुचारा किया है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण एनवायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उस दीवाल के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है। और आप सभी ने अगर कभी देखा होगा, छुआ होगा, तो सर बहुत दिन के बाद वो चूना का परत नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे आप छू देंगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के वजह से चूना करने के बाद आपको बहुत ज्यादा व्हाइट दिखाई पड़ता है। और मेरे मित्र ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के चलते ही उसका कलर क्या हो जाता है सर, दुधिया हो जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है, आप कहेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के चलते यह क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है। मेरे मित्र यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप सभी को मालूम है कि इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। मेरे मित्र आग पर पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा सर, बुझ जाएगा। जो कली चूना होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना कहते हैं। अच्छा, इसको क्विक लाइम बोला जाता है और इसको अंग्रेजी में स्लैग लाइम बोला जाता है, ठीक है मेरे मित्र। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कली चूना में पानी मिलाएंगे तो सर आपको हीट भी निकलता हुआ प्रतीत होगा, या अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब परख नली में लेकर के कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को मिलाते हो तो आपको परख नली गर्म होता हुआ मालूम चलेगा। तो ध्यान में रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब पानी मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हीट और हीट का इवोल्यूशन होता है यानी कि उष्मा निकलती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, आप सभी कहेंगे सर उष्मा छिपी अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट सर CaHCO3 का होल टू है, आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्या कहेंगे सर, प्राइमरी डिवाइस के रूप में हम लोग रैम का इस्तेमाल करते हैं और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। तो जो हमारा हार्ड डिस्क हो जाता है, CD हो जाता है, DVD हो जाता है, ये सब के सब क्या होते हैं सर, सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। जो कहा जा रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, आप कहेंगे सर द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पेटाबाइट इक्वल टू व्हाट।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, एक पेटावाइट है तो इसको हम लोग मतलब सिंबल में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 PB, और मेरे मित्र 1 PB जो है वो 1024 TB के बराबर होता है। ध्यान में रखेंगे टीबी को क्या बोला जाता है, टेराबाइट बोला जाता है। तो आप सभी यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक पेटाबाइट की बात की जाएगी, एक पेटाबाइट की बात की जाएगी तो आप सभी कहेंगे 1024 TB यानी कि टेराबाइट, और अगर एक टेराबाइट की बात की जाएगी, एक टेराबाइट की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखेंगे 1024 GB, और मेरे मित्र अगर अगर बात की जाएगी किसकी बात, सॉरी टीबी, हाँ ठीक है टेराबाइट 1024 GB, और अगर एक जीबी की बात की जाएगी, एक जीबी की बात की जाएगी यानी कि जीबी का फुल फॉर्म होता है सर गीगाबाइट, एक गीगाबाइट की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखना 1024 MB, क्या होगा 1024 MB, और मेरे मित्र अगर एक मेगाबाइट की बात की जाएगी, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, एक मेगाबाइट की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखना 1024 KB यानी कि क्या हो जाएगा आपका, तो सर किलोबाइट हो जाएगा, केबी को हम लोग क्या पढ़ेंगे सर किलोबाइट पढ़ेंगे। तो एक पेटाबाइट 1024 TB, एक टेराबाइट 1024 GB, एक गीगाबाइट 1024 MB, एक मेगाबाइट आप कहेंगे 1024 KB, तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है 1024 TB, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पेटाबाइट। अच्छा यहां देखिए 1024 KB दिया हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा एक MB हो जाएगा। अच्छा 1024 GB दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे सर जी ये हमारा एक TB हो जाएगा, और यहां पे आपका 1024 MB दिया हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा एक GB हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, मेरे मित्र कमांड लाइन इंटरफेस, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुल फॉर्म को एज इट इज सर फुल फॉर्म के रूप में ही याद रखेंगे। अगला है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, आप सभी याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन। बहुत सारे मित्र कहेंगे गुरु जी ऐसे कैसे, तो भाई मेरे NH4Cl इसको क्या बोलते हैं नौसादर, क्या बोलते हैं नौसादर, क्या है सर एक प्रकार का ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, और वैसा कोई भी मिश्रण जिसमें हमारा एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने वाला हो उसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे, आप कहेंगे सर ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस अपनाएंगे। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में है क्रिस्टलीकरण, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग समुद्र के पानी से जो नमक निकालते हैं वो प्रक्रिया हमारा क्या होता है वाष्पीकरण का होता है, लेकिन उस नमक को जो हम लोग शुद्ध करते हैं वो प्रक्रिया क्या होता है हमारा सर क्रिस्टलीकरण होता है। तो सर समुद्र के पानी से निकले हुए नमक का शुद्धिकरण के लिए क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। अपकेंद्रीकरण सर सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो दूध से क्या करते हैं सर मठा निकालते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है सर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण होता है। और क्रोमेटोग्राफी तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका इस्तेमाल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो टीम होती है उसके द्वारा भी किया जाता है, और साथ ही साथ रंगों को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से पूछा जा रहा है कि इन विट्रोलियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, टेलोफेज प्रोफेज एनाफेज मेटाफेज, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप यहाँ पे टेलोफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज की बात कर रहे हैं ये सभी क्या है, तो सर कोशिकीय विभाजन के स्टेप है, और आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई कोशिका का जन्म होता है, और मेरे मित्र आप सबको मालूम है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं 2 ही प्रकार, कौन कौन सा, तो एक सर समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा असूत्री कोशिका विभाजन। तो असूत्री कोशिका विभाजन चूंकि प्राचीन जीवों में होती है, ये आप कह सकते हो जो आदिम जीव होते हैं उसमें होती है, लेकिन अगर हम समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं सर ये हमारे ये दोनों ही कोशिका विभाजन हमारे शरीर में होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन हमारे शरीर में अगर कहीं पे घाव हो जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए होता है, यानी कि टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत करने के लिए सर नए कोशिका का निर्माण समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू हो जाएगा, और अगर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की तो वहां पे क्या होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है,
और मेरे मित्र यहां पे जो सवाल करा जा रहा है कि इन्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, मेरे मित्र मेटाफेज का गठन करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कोशिका विभाजन के पूरे फेज की बात करेंगे तो पहला फेज आपका क्या होगा, तो सर पहला फेज आपका इंटरफेज होगा, फिर क्या होगा सर प्रोफेज, एनाफेज, फिर क्या होगा सर मेटाफेज, और क्या होगा सर टेलोफेज होगा। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, सर जी गैल्वेनोमीटर। ध्यान में रखेंगे गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सर धारा की दिशा को बताने के लिए भी करते हैं और साथ ही साथ छोटे मात्रा में धारा को मापने के लिए भी किया जाता है। बाद बाकी एमीटर आप सभी समझ रहे होंगे विद्युत धारा के मापने के लिए, वोल्टमीटर सर जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है कि उस जर्मन रासायनिक का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहबद्ध किया था। मेरे मित्र सीधे सीधे आप कहेंगे गुरुजी डॉब्रेनर। क्यों? क्योंकि डॉब्रेनर ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के गुणों को समझने के लिए क्या दिया था, तो सर त्रियक रूल दिया था, यानी कि त्रियक नियम दिया था। और यहां पे किसकी बात की जा रही है, तो सर उसी ट्राइड की बात की जा रही है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में डॉब्रेनर लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में हेनरी मोसले, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इन्होंने क्या करा था, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करी थी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करी थी। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आप सभी कहेंगे सर हेनरी मोसले ने बनाया। अब मेरे मित्र मेंडलीफ की बात करेंगे, तो सर मेंडलीफ का आवर्त सारणी बनाने में बहुत ही मतलब कह सकते हो अहम रोल है। तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्ग के रूप में वर्गीकृत किसने करा, मेंडलीफ ने करा। और सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा, अगर क्वेश्चन ये करा जाए कि सर्वप्रथम पीटी बनाया, तो आप सभी क्या कहेंगे सर मेंडलीफ ने सर्वप्रथम पीटी बनाया था, यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाया था। न्यूलैंड की बात करेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अष्टक नियम हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जो संगीत के सुरों पर आधारित तत्वों के गुणों को समझने वाला नियम है, वो किसके द्वारा दिया गया, सर जी न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डाटा ट्रांसफर करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे जीसेट 31 का प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, आद्रपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटिले वन, माउंटेन वन, शुष्क पर्णपाती वन। ध्यान में रखेंगे शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 तक ही आपके इस सेट में है, तो कोई बात नहीं है सर, जो आपका 20 से लेकर के 40 तक का है उसको हम लोग अगले सेट में देख लेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।